आइए आगे बढ़ते हैं उपाय विभाग की ओर। आज चर्चा करेंगे शीघ्र विवाह के लिए कुछ अचूक उपाय की। मित्रों, कई बार ऐसा देखा गया है कि जन्म कुंडली में बनने वाले विशिष्ट योग की वजह से जातक के विवाह में विलंब होता है और कई बार जातक विवाह से वंचित रह जाता है। अक्सर विवाह न होने का कारण जन्म कुंडली के बाहर कुछ विशिष्ट प्रकार की बाधाएं होती है। ऐसी स्थिति में शीघ्र विवाह के लिए कुछ प्रयोग करना ही समझदारी होती है। आज मैं आपको कुछ विशिष्ट उपाय बताऊंगा जिसे सच्चे मन से प्रयोग करने से शीघ्र विवाह के योग जल्दी ही बन जाते हैं। सबसे पहला उपाय है, जिस युवक या युवती के विवाह होने में विलंब हो रहा है उन्हें हर सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर उनका दूध या फिर दूध मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए और हर सोमवार कम से कम 200 ग्राम चने की दाल शिव मंदिर के बाहर दान करनी चाहिए। दूसरा उपाय प्रेम विवाह करने वाले युवक और युवतियों के लिए है। जिस युवक या युवती का विवाह होने में विलंब हो रहा है या फिर अपनी मर्जी के अनुसार प्रेम विवाह नहीं हो रहा है, ऐसे युवक को क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का नियमित रूप से और निरंतर जाप करना चाहिए। इसका नियमित रूप से जाप करने से उन्हें प्रेम विवाह में शीघ्र ही सफलता मिल जाएगी। तीसरा उपाय कन्याओं के लिए है। जिस कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है या फिर जिस कन्या के रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं उस कन्या को ऐसी जगह ऐसे स्थल पर जाना चाहिए जहां पर और किसी कन्या का विवाह हो रहा है और उस कन्या को उस दिन मेहंदी लगने वाली हो। उसके मेहंदी वाले दिन अगर ऐसी कन्या उस स्थान पर जाती है और विवाह होने वाली कन्या के हाथ पर जो मेहंदी लगी होती है उसमें से थोड़ी मेहंदी लेकर अगर वह अपने हाथ में लगाती है तो इस कन्या का भी शीघ्र ही विवाह होने के योग पूर्ण रूप से बन जाते हैं। आइए मैं आपको चौथे उपाय के बारे में कहता हूँ। मित्रों, सामान्यतः विवाह से पहले विवाह तय करने के समय पर या उससे पहले युवक और युवती अपने परिवार के साथ एक दूसरे के घर जाकर मुलाकात करते हैं। जिस घर में इस हेतु से मेहमान आने वाले हैं उस घर में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से करनी चाहिए कि आने वाले मेहमान का मुख घर के अंदर की तरफ ही रहे और घर का मुख्य द्वार उन्हें दिखाई ना दे। जिस युवक या युवती का विवाह नहीं हो रहा है ऐसे युवक और युवती के बिस्तर के नीचे कभी भी लोहे की चीज या फिर कबाड़ी का सामान, रद्दी सामान या फिर ऐसी कोई चीज जिसका उपयोग नहीं हो रहा है ऐसी चीज उनकी पलंग के नीचे कभी भी नहीं रखनी चाहिए। और एक उपाय है जिसमें जिस समय युवक और युवती एक दूसरे के परिवार के साथ एक दूसरे की मुलाकात करते हैं ध्यान रहे जब भी युवक और युवती एक दूसरे को विवाह के मामले में पहली बार मिल रहे हैं उस समय उन दोनों का मुख कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। आइए शीघ्र विवाह के लिए सातवें उपाय के बारे में जानते हैं। ऐसी कन्या जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसे अपने घर में सफेद खरगोश पालना चाहिए और हर रोज अपने हाथ से उसे खाना देना चाहिए। इससे उनके विवाह के योग बहुत ही शीघ्र बन जाएंगे। आठवां उपाय इस प्रकार है, जब भी कन्या के परिवार वाले युवक को देखने के लिए जा रहे हैं और ऐसे समय कि कन्या अपने घर ही रहने वाली है और उसके परिवार वाले युवक को देखने जा रहे हैं उस समय उस कन्या को लाल वस्त्र धारण करके खुले बालों के साथ हंसते हुए चेहरे से अपने परिवार को मिठाई खिलाकर विदा करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी मुलाकात मीटिंग सफल रहती है
और उनके विवाह के योग बहुत ही जल्द बन जाते हैं। जो भी युवक और युवती शीघ्र विवाह करना चाहते हैं, उन्हें हर गुरुवार को आटे से बने लोहे में थोड़ी हल्दी लगाकर गाय को नियमित रूप से खिलानी चाहिए और नियमित रूप से उसके साथ ही चने की दाल या फिर गेहूं और उसके साथ थोड़ा सा गुड़ भी गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से उनके विवाह के योग शीघ्र ही बन जाते हैं। आइए जानते हैं शीघ्र विवाह के लिए दसवां उपाय। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, ऐसी कन्या को हर पूर्णिमा के दिन किसी वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे उनके विवाह में आने वाली बाधाएं शीघ्र ही दूर हो जाएगी। जिस कन्या को शीघ्र विवाह करने की इच्छा है, उन्हें पीपल के पेड़ या फिर केले के पेड़ को नियमित रूप से जल सींचना चाहिए। ऐसा करने से उनके भी विवाह के योग शीघ्र ही बनने लगेंगे। आइए जानते हैं 12वें उपाय के बारे में। जिस कन्या के विवाह में बहुत ज्यादा विलंब होता है, उनकी बातचीत अक्सर रुक जाती है, उस कन्या को किसी भी महीने के पहले गुरुवार के दिन एक मिट्टी का नया कुल्हड़ घर ले आना है और उस मिट्टी के कुल्हड़ में 7 काली मिर्च, थोड़ा नमक और कोई भी एक सिक्का उसमें रख देना है। उसके बाद उस कुल्हड़ का मुख लाल कपड़े से बांध लेना है। लाल कपड़े से बांधने के बाद उस कुल्हड़ के ऊपर 7 कुमकुम की बिंदी लगानी है। बिंदी लगाने के बाद उस कुल्हड़ को संध्या काल के पहले किसी चौराहे पर रखकर वापस अपने घर आ जाना है। पहले गुरुवार को यह क्रिया करने के बाद महीने के बाकी के तीनों गुरुवार के दिन भी इस प्रक्रिया को दोहराना है। यदि 4 गुरुवार तक लगातार इस प्रक्रिया को कन्या दोहराती है तो उसके विवाह में आने वाले सभी बाधाएं दूर हो जाती। आइए जानते हैं आखिरी उपाय के बारे में। ऐसे जातक जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, उन्हें 5 नारियल लेने हैं और उस 5 नारियल को शिव जी के समक्ष रख देने हैं। शिव जी के समक्ष नारियल रखने के बाद उनको ओम श्रीम वरप्रदाय श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करना है। आइए जानते हैं विवाह के आखिरी उपाय के बारे में। दर्शकों, ऐसी कन्या जिनका उम्र बीत जाने के बाद भी विवाह नहीं हुआ है, यह उपाय उनके लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है। ऐसी कन्याओं को 5 नारियल शिव जी के समक्ष रखने हैं। शिव जी के समक्ष 5 नारियल रखने के बाद ओम श्रीम वरप्रदाय श्रीम नमः इस मंत्र की 5 माला का जाप करना है। 5 माला जाप करने के बाद उसे यह 5 नारियल शिव जी को चढ़ाने हैं। ऐसा करने से इस कन्या का भी विवाह शीघ्र ही हो जाता है। दर्शकों, आज मैंने आपको शीघ्र विवाह के लिए कुछ अचूक उपाय के बारे में बताया है। आप सब इस उपाय को व्यवहारिक जीवन में आजमाएं। मुझे आशा है कि यह उपाय वास्तविक जीवन में भी इसमें जिस प्रकार बताया गया है उस प्रकार अच्छा फल देंगे। अब आगे बढ़ते हैं मंत्र विभाग की ओर।